नारद भक्ति सूत्र। अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा है और अमृत स्वरूपा भी है, जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है, जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, ना शोक करता है, ना द्वेष करता है, ना किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे विषय भोगों की प्राप्ति में उत्साह होता है, जिसको जानकर ही मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध शांत हो जाता है और आत्मा राम बन जाता है। वह प्रेमा भक्ति कामना युक्त नहीं है, क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को निरोध कहते हैं। उस प्रियतम भगवान में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषय में उदासीनता को भी निरोध कहते हैं। अपने प्रियतम भगवान को छोड़कर दूसरे आश्रयों के त्याग का नाम अनन्यता है। लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता है। विधि निषेध से अतीत अलौकिक प्रेम प्राप्त करने का मन में दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात भगवदनुकूल शास्त्रोक्त कर्म करने चाहिए, नहीं तो गिर जाने की संभावना है। लौकिक कर्मों को तब तक ब्रह्म ज्ञान रहने तक विधि पूर्वक करना चाहिए, पर भोजन आदि कार्य जब तक शरीर रहेगा तब तक होते रहेंगे। अब नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण कहते हैं। पराशर नंदन श्री व्यास जी के मतानुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। श्री गर्गाचार्य के मत से भगवान की कथा आदि में अनुराग होना ही भक्ति है। शांडिल्य ऋषि आदि के मत में आत्मरति के अवरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। परंतु देव ऋषि नारद के हमारे मत में अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुल होना ही भक्ति है। ठीक ऐसा ही है जैसे व्रज गोपियों की भक्ति। इस अवस्था में भी गोपियों में महात्म्य ज्ञान की विस्मृति का अपवाद नहीं। उसके बिना भगवान को भगवान जाने बिना किया जाने वाला प्रेम जारों के प्रेम के समान है। उसमें प्रियतम के सुखों से सुखी होना नहीं है। वह प्रेम रूपा भक्ति तो कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठतर है, क्योंकि वह भक्ति फल रूपा है। ईश्वर का भी अभिमान से द्वेष भाव है और दैन्य से प्रिय भाव है। उस भक्ति का साधन ज्ञान ही है, कहीं आचार्यों का यह मत है। दूसरे आचार्यों का मत है कि भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे के आश्रित हैं। ब्रह्म कुमारों के सनत कुमार आदि और नारद के मत से भक्ति स्वयं फल रूपा है। राजगृह और भोजन आदि में ऐसा ही देखा जाता है। ना उसे जान लेने मात्र से राजा की प्रसन्नता होगी, ना शुदा मिटेगी। अतएव संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को ही भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। आचार्यगण उस भक्ति के साधन बतलाते हैं। वह भक्ति साधना, विषय त्याग और संग त्याग से संपन्न होता है। अखंड भजन से भक्ति का साधन संपन्न होता है। लोक समाज में भी भगवत गुण श्रवण और कीर्तन से भक्ति साधन संपन्न होता है। परंतु प्रेम भक्ति की प्राप्ति का साधन मुख्यतया प्रेमी महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा के लेश मात्र से होता है। परंतु महापुरुषों का संग दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है। उस भगवान की कृपा से ही महापुरुषों का संग मिलता है, क्योंकि भगवान में और उनके भक्त में भेद का अभाव है। अतएव उस महत संग की ही साधना करो, उसी की साधना करो। दुसंग का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए, क्योंकि वह दुसंग काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश एवं सर्वनाश का कारण है। ये काम, क्रोध आदि पहले तरंग की तरह शुद्र आकार में आकर भी
दुसंग से विशाल समुद्र का आकार धारण कर लेते हैं। प्रश्न, कौन तरता है? दुस्तर माया से कौन तरता है? उत्तर, जो सब संगों का परित्याग करता है, जो महानुभावों की सेवा करता है और जो ममता रहित होता है, जो निर्जन स्थान में निवास करता है, जो लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है, जो तीनों गुणों से परे हो जाता है और जो योग तथा क्षेम का परित्याग कर देता है, जो कर्मफल का त्याग करता है, कर्मों का भी त्याग करता है और सब कुछ त्याग कर जो निर्द्वंद हो जाता है, जो वेदों का भली भांति परित्याग कर देता है और अखंड असीम भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है, वह तरता है, वह तरता है, वह लोगों को भी तार देता है। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, गूंगे के स्वाद की तरह। किसी बिरले योग्य पात्र में, प्रेमी भक्त में ऐसा प्रेम प्रकट भी होता है। यह प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिषण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। इस प्रेम को पाकर प्रेमी इस प्रेम को ही देखता है, प्रेम को ही सुनता है, प्रेम का ही वर्णन करता है और प्रेम का ही चिंतन करता है। गौणी भक्ति गुण भेद से अथवा आंतरादि भेद से तीन प्रकार की होती है। उनमें उत्तर उत्तर क्रम से पूर्व पूर्व क्रम की भक्ति कल्याणकारी होती है, अन्य सबकी अपेक्षा भक्ति दुर्लभ है, क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाण रूप है, इसके लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भक्ति शांति रूपा और परमानंद रूपा है। लोकहानि की चिंता भक्त को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह भक्त अपने आप को और लौकिक वैदिक सब प्रकार के कर्मों को भगवान के अर्पण कर चुका है। परंतु जब तक भक्ति में सिद्धि न मिले, तब तक लोक व्यवहार का त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु फल त्याग कर निष्काम भाव से उस भक्ति का साधन करना चाहिए। स्त्री धन नास्तिक और वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए, अभिमान दंभ आदि का त्याग करना चाहिए। सब आचार भगवान के अर्पण कर चुकने पर यदि काम क्रोध अभिमान आदि हो तो उन्हें भी उस भगवान के ही प्रति करना चाहिए। तीन, स्वामी सेवक और सेवा रूपों को भंग कर नित्य दास भक्ति से या नित्य कांति भक्ति से प्रेम ही करना चाहिए, प्रेम ही करना चाहिए। एकांत अनन्य भक्त ही श्रेष्ठ है। ऐसे अनन्य भक्त कंठावरोध रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाले होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुलों को और पृथ्वी को पवित्र करते हैं। ऐसे भक्त तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सत्शास्त्र कर देते हैं, क्योंकि वे तन्मय हैं। ऐसे भक्तों का आविर्भाव देखकर पितरगण प्रमुदित होते हैं, देवता नाचने लगते हैं और यह पृथ्वी सनाथा हो जाती है। उनमें जाति विद्या रूप कुल धन और क्रिया आदि का भेद नहीं है, क्योंकि भक्त सब उनके अर्थात भगवान के ही हैं। भक्त को वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद में बाहुल्य का अवकाश है और वह अनियत है। प्रेमा भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्ति शास्त्र का मनन करते रहना चाहिए और ऐसे कर्म भी करने चाहिए जिनसे भक्ति में वृद्धि हो। सुख दुख इच्छा लाभ आदि का पूर्ण त्याग हो जाए, ऐसे काल की बाट देखते हुए आधा क्षण भी बिना भजन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। प्रेमा भक्ति के साधक को अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिकता आदि आदरणीय सदाचारों का भली भांति पालन करना चाहिए। सब समय सर्वभाव से निश्चित होकर केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए। वे भगवान प्रेम पूर्वक कीर्तित होने पर शीघ्र ही प्रकट होते हैं और भक्तों को अपना अनुभव करा देते हैं। तीनों कायिक वाचिक मानसिक सत्यों में अथवा तीनों कालों में सत्य भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है।
यह प्रेम रूपा भक्ति एक होकर भी गुणा महात्म्या शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरणा शक्ति, दास्या शक्ति, सांख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्या शक्ति, आत्मनिवेदना शक्ति, तन्मया शक्ति और परम विरह शक्ति इस प्रकार से 11 प्रकार की होती है। कुमार, सनत कुमार आदि वेद व्यास, शुकदेव, शांडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौंडिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, बलि, हनुमान, विभीषण आदि भक्ति तत्व के आचार्य गण लोकों की निंदा स्तुति का कुछ भी भय ना कर सब एक मत से ऐसा ही कहते हैं कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। जो इस नारदोक्त शिवानुशासन में विश्वास और श्रद्धा करते हैं वे प्रियतम को पाते हैं, वे प्रियतम को पाते हैं।